प्याज की फसल से अच्छी आमदनी लेने के लिए सबसे जरूरी है अच्छे उत्पादन का होना, और अच्छे उत्पादन के लिए सही खाद का प्रबंधन और रोगों का नियंत्रण करना जरूरी है। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं और फिर भी आपको प्याज की फसल से कम उत्पादन देखने को मिलता है, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपने समय पर खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया है, क्योंकि खेत में ज्यादा खरपतवार के होने से हमारा उत्पादन 25% से लेकर 75% तक कम हो सकता है। इसलिए प्याज की फसल में खरपतवार का नियंत्रण बेहद जरूरी है। किस तरह से करना है जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। प्याज की नर्सरी हम रवि व खरीफ दोनों ही सीजन में लगा सकते हैं। वह प्याज की नर्सरी को तैयार होने में 45 से 50 दिन का समय लगता है। इस बीच हमें खरपतवार का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा खरपतवार के होने से हमारी प्याज की नर्सरी में प्याज के पौधे प्रभावित हो सकते हैं, और अगर यह प्रभावित होते तो इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। अब अगर आप कम एरिया में प्याज की नर्सरी लगाते तो आप मजदूर की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, पर अगर आप बड़े पैमाने पर प्याज की नर्सरी लगाते और मजदूर की सहायता से खरपतवार को निकालते तो इसमें आपकी लागत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और प्याज की फसल से अच्छी आमदनी लेने के लिए हमें प्याज की लागत को भी कम से कम करना है। इसलिए आप मजदूर की जगह खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए। प्याज की फसल में कौन से खरपतवार नाशक का उपयोग करें और कब करें जानेंगे इस वीडियो में आगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दे। हम इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट लेकर चल रहे, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अभी भी बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले बात करते हैं कि प्याज की फसल के लिए कौन से खरपतवार नाशक का उपयोग करें। आप एग्रोस्टार की ओर से आने वाले प्रोडक्ट पावर ग्रो ऑक्सीविया का उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर हमें ऑक्सी फ्लोरेन 23.5% ईसी जैसे रासायनिक संगठन मिलते हैं। ऑक्सीविया का उपयोग आप प्याज की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। प्याज की फसल में खरपतवार नाशक का उपयोग करते समय हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी ज्यादा मात्रा हमारी फसल को प्रभावित कर सकती है और इसकी कम मात्रा से खरपतवार नष्ट नहीं होंगे। इसलिए अब बात करते हैं कि हम ऑक्सीविया का उपयोग कैसे और कब करें और इसकी कितनी मात्रा लगेगी। जब प्याज की नर्सरी 10 से 15 दिन की हो जाए तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप 15 लीटर पानी में 10 से 12 ml ऑक्सीविया को मिलाकर अपनी प्याज की फसल पर स्प्रे करें। इसके अलावा आप जब प्याज की फसल की रोपाई करते हैं तो उसके पहले या फिर रोपाई के 15 दिनों के पहले पहले आप इस ऑक्सीविया का उपयोग कर सकते हैं खेत में खरपतवार के नियंत्रण के लिए। इस समय पर भी आप मात्रा 15 लीटर के स्प्रे पंप में 10 से 12 ml ऑक्सीविया को मिलाकर स्प्रे कर दें। ऑक्सीविया का उपयोग आप चौड़ी पत्ती वाले अर्थात व्यापक स्पेक्ट्रम और सामान्य खरपतवार नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। सवाल आता है कि हम ऑक्सीविया को कहां से खरीद सकते हैं। इस प्रोडक्ट को एग्रोस्टार ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, और रजिस्टर करने के बाद में आप एग्री दुकान के ऑप्शन पर क्लिक करें। एग्री दुकान के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप सुरक्षा वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, और फिर खरपतवार नाशक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, और आप यहाँ पर ऑक्सीविया को देख सकते हैं, और इस पर क्लिक करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। इस ऐप की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस ऐप पर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी मिलता है। इसके अलावा आप 9503095030 इस नंबर पर कॉल करके भी अपने ऑर्डर को बुक कर सकते हैं और ऑक्सीविया के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एरिया की ही किसी भी लाल दुकान पर जाकर भी ऑक्सीविया को खरीद सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।